खुश आमदीद नाजरीन। जीता हम बात कर रहे थे ब्रेक से जाने से पहले के इन जो ताजर बरादरी है उनको किसी ने रबते करने की कोशिश की, फेडरल गवर्नमेंट हो या फिर हमारी सिंध गवर्नमेंट, तो उस हवाले से हम इनसे बात करते हैं। आप बता रहे थे कि अभी तक फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से भी किसी ने आपको कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया। देखिए अभी आज वज़ीर आज़म साहब आ रहे हैं इंशाल्लाह, उम्मीद है, पहले भी उन्होंने ऐलान किया था लेकिन इस दफ़ा शायद उम्मीद लग रही है कि इस ऐलान पर अमल हो, अल्लाह करे इस पर अमल हो इंशाल्लाह। वज़ीर आज़म साहब को आके ग्राउंड पर उतर के मार्केटों को भी देखना चाहिए, खुसूसी तौर पर स्मॉल ट्रेडर्स को खुसूसी तौर पर देखना चाहिए, इसलिए कि सबसे ज़्यादा मसाइल का शिकार स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं लेकिन मसाइल उनके कम हल होते हैं। तो मैं आपसे ब्रेक से पहले आपसे गुफ्तगू कर रहा था इंतज़ामिया की तरफ से, तो मैं कहता हूँ कि ताजिरों को माफ़ रखें इंतज़ामिया को, उनके जब आपने आफत ज़्यादा करार दिया थे उसमें टैक्स भी माफ़ हो जाते हैं, सब चीज़ें हो जाती हैं, बिल्कुल सही बात है। जो आप अगर और मुबालिक में चले जाए वहाँ पर तो कितने, यहाँ पर तो स्कूल की फीस भी भरे, यहाँ पर आपने गैस बिजली के बिल भी भरने, यहाँ पर तो आपने हर चीज, वहाँ पर तो आपको फुली रिलीफ मिला हुआ है ना, यहाँ पर तो किसी किस्म का कोई रिलीफ मिला ही नहीं है आवाम को, बल्कि उल्टा टैक्सेस और लग चुके हैं, उल्टी महंगाई और हो चुकी है। तो यहाँ पे हमारी आवाम के साथ साथ हमारे सॉरी ताजरों के साथ साथ हमारी आवाम भी बेचारी जो ना बेबस और जो परेशान घबराई हुई, अब क्या कर सकते हैं। हमने तो हुकूमत से पहले मुतालबा करा था लॉकडाउन की वजह से जो परेशानी थी, लोग सड़कों पे आ गए थे, आप बिलासूद कर देते हैं, अब तो और आफत सबसे ज्यादा हमारा जो गरीब तबका है ना वो इसमें पिस रहा है, बहुत ज्यादा कर्ज नहीं दे रहा है, फिलहाल आप रिलीफ नहीं दे रहा है, आप हमारी सड़कें नहीं बना रहे, आप हमारा कचरा नहीं उठा रहे, आप हमारा पानी नहीं निकाल रहा है, आपने सेवरेज में के पानी में हमारी मार्केटों को छोड़ा हुआ है। चलें अभी आप ये ना करें लेकिन आप हमारे ताजरों को उठा के उन पर जुर्माने भी नहीं करें। आप मैं भी जो है एक न्यूज़ देख रही थी, वहाँ पे सेंट्रल का जिक्र था, वहाँ पे सेंट्रल का मैंने सड़कें देखी, सेंट्रल की सड़कों का तो बहुत ही बुरा हाल है, तो आप लोगों की उस तरफ जो मार्केट्स हैं उन उधर की वो सड़कें वगैरह बनाई गई हैं या वहाँ पे भी ऐसे ही बुरा हाल है? देखिए मैं आपको बताऊँ, मार्केटों की खुसूसन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की सड़कें पहले ही जो है तबाहाल थी, और उसके साथ साथ खुसूसन पापोश नगर मार्केट इस वक्त बहुत ही ज़्यादा इफेक्टेड है, कपड़ा मार्केट है, किराना मार्केट, इसी तरीके से लियाकताबाद की मार्केट है, वो न्यू कराची की मार्केट है, शदीद मुतासिर है। मेन सड़क तो किसी न किसी काबिल है भी लेकिन पापोश की सूरत हाल तो और वो तो बहुत ही ज़्यादा अंदर है, बहुत ज़्यादा, लेकिन जो हमारी गलियां उस एतराफ़ की गलियां मार्केट की मुकम्मल तौर पे तबाही का शिकार है। मैंने अभी वो जो पापोश कब्रिस्तान है वहाँ के मेरे पास एक क्लिप आया था, तो वो भी बहुत ज़्यादा वहाँ का भी बहुत ही बुरा हाल है, कब्रिस्तान का तो कम अज़ कम उनको ख्याल करना चाहिए कि वहाँ पे मुर्दे दफन है, तो एटलीस्ट उनको वहाँ का तो कम से कम सफाई करनी चाहिए, वहाँ की भी सफाई नहीं हुई वो भी है, जिंदों को नहीं पूछ रहा है। हाँ, तो मुर्दों को कहाँ पे पूछेंगे, बिल्कुल सही बोला आपने। तो ये सबसे जो है ना अलमिया हमारा मुतालबा है, हमारा उम्मीद करते हैं। बस मैं आपसे आखिर में ये सवाल करूंगी कि ताजर बरादरी जो है जो नुकसान से बचने उन्होंने कोई आगे का लाए अमल तैयार किया होगा, ये मैं चाहूंगी कि आप बस एक मुझे इस सवाल का जवाब दें और फिर हम लोग प्रोग्राम के आगे का लाए अमल तो ये है कि हम अपनी मदद आपके तहत जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। अब आगे का हमारा लाए अमल ये है कि अगर हमारे साथ ये होता रहेगा तो फिर हम इनको जगाएंगे, फिर हम एहतजाज करेंगे, इससे भी आगे जाएंगे। तो अभी उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह कुछ बेहतरी की जानिब जो है मामला जाएगा, हमारी सड़कें भी बनेंगी, कचरा भी उठेगा, सीवरेज का निज़ाम भी बेहतर होगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि सबसे पहले जो मैंने आपसे कहा था कि नीयत अल्लाह ताला देखता है, और इनकी अगर नीयत साफ है और सच बोलेंगे आवाम से तो बेहतरी भी आएगी, वरना इसी तरह तबाही आएगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें प्रोग्राम में वक्त दिया। अब हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ जाता है, इससे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि सारा बकौल आपके हसीन साहब के कि सारा जो वो होता है दारुलमदार होता है वो नियत पर होता है, तो नियत अच्छी होगी लेकिन आवाम की तो नियत बहुत ही अच्छी है, लेकिन हमारे हुक्मरानों की नियत का नहीं पता कि वो क्या सोच रहे हैं, उनकी नियत कैसी है। तो अपनी होस्ट को दें इजाज़त और अपनी दुआओं में याद रखें, बहुत बहुत शुक्रिया।